आज एक लड़का जो है वो तो दूसरी शादी कर सकता है लेकिन दूसरी औरत नहीं कर सकती। यदि गलत हो रहा है तो वो बुर्का पहन के छोटे बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है। बुर्का हो या घूंघट हो, ये उनकी अपनी मर्जी की बात है। चुनावी मौसम है, तरह तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं। एक मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है बुर्का बैन को लेकर, आप लोग बताइए बुर्का बैन को लेकर जो सवाल है। वो गलती है उसके लिए तो गलत है, क्योंकि औरतों को मिलनी चाहिए छूट, उनकी उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। कैद कर नहीं रखना चाहिए, यानी कि बुर्का बैन होनी चाहिए। यस, आप क्या चाहते? जो जैसे सब बढ़िया है, जैसे जिसकी मर्जी। ये क्या पहना आप? कैप है, कैप पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। खरीद कर पहना है या बनवाया? खरीद के पहना। तो अगर बुर्का बैन होती है तो ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं उनके घूंघट भी बैन किए जाए। ठीक है, औरतों को छूट होनी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का राइट है, उन्हें जो है अपने मन से करने का राइट होना चाहिए कि उनको क्या करना है, उन्हें पहनना है नहीं पहनना है वो उनकी मर्जी, उनके अपने मर्जी से चलना चाहिए, उन्हें चलना चाहिए। हाँ, यदि गलत हो रहा है तो वो बुर्का पहन के छोटे बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, और वो बुर्का पहनने से या घूंघट से कुछ नहीं होना है। यदि है तो क्राइम है तो वो सभी के लिए है, छोटे बच्चे के साथ भी है। घूंघट से कुछ नहीं होता है कि वो मुंह ढकने से उनका कुछ सेफ है या कुछ है, उनको वो अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहे। आज की महिलाएं तो घूंघट करती भी नहीं, नहीं करती तो वो उनका अपना डिसीजन है। तो बुर्का बैन अगर होती है तो महिलाओं के सम्मान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर बुर्का बैन होती है तो घूंघट पे भी बैन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, मतलब दोनों को एक तरीके से ही होना चाहिए। हम उसमें बुर्का हो या घूंघट हो, ये उनकी अपनी मर्जी की बात है, ये उनकी छूट की बात है लेडीज की। किसी दबाव के अंतर्गत ना घूंघट होना चाहिए ना बुर्का होना चाहिए। कुछ टाइम पहले तक हमारे परिवार में भी बड़ी लेडीज घूंघट में थी, आज नहीं, लेडीज नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बताइए बुर्का बैन को लेकर आप क्या कहते? बुर्का बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए बुर्का, घूंघट भी बैन हो। हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी चीज़ की बंदिश होनी नहीं चाहिए, किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी मजहब को लेकर, किसी भी औरत को लेकर, मतलब सिर्फ ये सब चीज़ें औरतों के लिए, आदमियों के लिए क्यों नहीं है? आज एक लड़का जो है वो तो दूसरी शादी कर सकता है लेकिन दूसरी औरत नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई? तर्क पे बुर्का बैन भी होना चाहिए, घूंघट बैन भी होना, आप लोगों का कहना है?